गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। भाई ऐसा है कि रोज़ रोज़ मैडम मॉर्निंग मोटिवेशन में शामिल नहीं हो सकती है, देर तक सोती है मैडम, ठीक है ना। कभी कभी वो उठ जाती है, कोई ऐसा दिन होता है, कोई ऐसा मुहूर्त होता है तो वहाँ वो शामिल हो जाती है। तो परमानेंट फीचर यदि कोई है ना तो परमानेंट फीचर मैं हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जो बीच में जो है एक्सक्लूसिव फीचर आते हैं ना, तो उनको परमानेंट मत समझिएगा, ठीक है। तो छोड़ते, अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी मैंने हाल ही में जो है एक, मैं आपको बताऊँ मैं कब से काम कर रहा हूँ। मैं मतलब कब से काम का मतलब ये है कि मेरे को कोई भी जो है वो ब्रेक नहीं मिल पाया है। इस कोरोना के चलते जो है बहुत काम करना पड़ा मुझे, ठीक है। आप समझ लीजिए 1 जून 2019 जो है वो 2019 से जो है वो काम करते करते, मुझे लगता है मैं लास्ट ट्रेवल किया था मैंने जनवरी 2020 में, मैंने ट्रेवल किया था अब्रॉड, एक 4-5 दिन का मेरा कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर। बाकी हर साल हम 1-7 दिन का जो है वो एक हॉलीडे टाइप का जो है प्लान करते थे कि 5-6 दिन जो है काम वाम से दूर रहकर थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक से बाहर निकले। तो क्या होता है, एक चीज आपको बता दूँ मैं, कि जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, यहाँ पर रोज़ बहुत सारी क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो एक लेवल के बाद कहीं पर जो है क्रिएटिव ब्लॉक होने लगता है। मतलब किसे बोलते हैं क्रिएटर्स फटीक कहते हैं, ठीक है। हालांकि मैं प्योरली क्रिएटर नहीं हूँ, मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मेरे को, लेकिन मुझे भी कभी कभी ऐसा लगने लगता है कई बार कि यार थोड़ा सा जो है वो अपने, जैसे बॉम्बे में क्या, बॉम्बे में कोरोना बहुत भयंकर हो रहा है इस समय, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बात भाई जो मेरा जो फ्लैट जहाँ रहता हूँ वहाँ से थोड़ा बाहर निकलूँ, उठ के इनफैक्ट बॉम्बे से बाहर निकलूँ, थोड़ा सा जो है वो नेचर में जाऊँ। यहाँ पे खूब सारे जो है वो प्लांट्स हो, यहाँ पे खुला हुआ आसमान हो, यहाँ पे खूब सारा जो है वो हरी हरी दिखने वाली ज़मीन हो वहाँ पर पूरी, ठीक है, ग्रासेस हो सब जगह पर, अच्छा सुंदर सा हो पहाड़, कोई माउंटेन का हिस्सा हो, वहाँ जाकर 2-4-5 दिन जो है शांति से गुजारने का, कि कोई फ़ोन कॉल ना हो, कोई ईमेल पर जवाब ना देना हो, ठीक है, कोई भी कंसल्टेशन कॉल ना हो, ठीक है। और सिर्फ बात करूंगा आपसे कुछ समय के लिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा मन करता है कि थोड़ा सा जो है वो शहर से दूर भाग के 4-5 दिन का रिलैक्स किया जाए। तो इसीलिए मैंने है ना ये एक ऊटी का ट्रिप मैंने प्लान किया था, और वो ट्रिप मेरे को कैंसिल करना पड़ रहा है। कारण उसके पीछे ये है कि बॉम्बे के अंदर इस समय एक सिचुएशन बड़ी फ्लूड है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, ठीक है, सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इस समय पूरा बॉम्बे जो है हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो चुका, पूरा महाराष्ट्र इनफैक्ट के, तो जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पर जो है वो सब चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सब पूरे इंडिया में जो होटल्स इंडस्ट्री, वहाँ पर भी कई फैसिलिटी उन्होंने क्लोज कर दी। फॉर एग्जांपल यदि आप ऊटी जाते हुए तो यू कैन नॉट विजिट एनी पार्क, आप कहीं नहीं सकते, जा सकते आपके इवन होटल के अंदर के पूल वूल सब बंद है क्योंकि कोरोना के चलते। तो फिलहाल वो ट्रिप मुझे कैंसिल करना पड़ा, काफ़ी नुकसान भी मेरे को हुआ उसमें, बुकिंग पहले से करनी पड़ती सारी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो चल रहा है एपिडेमिक, इस एपिडेमिक को यदि हम सब लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे ना तो ये चलता रहेगा बहुत दिनों तक। पता है नॉर्मल लाइफ आज तक सबसे बड़ी इच्छा क्या आम आदमी की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि भैया रूटीन बैक टू नॉर्मल लाइफ, यानी अब हम नहीं चाहते भैया ना, हम चाहते जैसे हम लोग पहले बिंदास बगैर मास्क पिए, कभी भीड़ में किसी मेले में जाया करते थे, किसी फंक्शन में शामिल, शादी विवाह के फंक्शन में शामिल हुआ करते थे, के मतलब कि डर के बगैर लोगों से मिलना, डर के बगैर काम करना, वो जो नॉर्मल लाइफ थी ना जिसकी वैल्यू हम उस समय नहीं समझते थे, उसकी वैल्यू अब समझ में आने लगी है। सामान्य जीवन जो है मुंबई के अंदर जो बायोमेंटर्स के जो ऑफिसेज हैं, बायोमेंटर्स के काफ़ी बड़े मतलब अच्छा खासा ऑफिस है मुंबई में, मतलब बड़ा तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा मैं, मुंबई बहुत महंगा शहर है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑफिस है मतलब समझ लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा, वो जो चैम्बर्स को मिला ले तो 1200 स्क्वायर फीट होगा। तो उस ऑफिसेज में कई सारे लोग पहले काम करते थे, तकरीबन जो है 30-35 लोगों का स्टाफ काम करता था। अब वो सारा स्टाफ ने वर्क फ्रॉम होम, आधा से ज़्यादा स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। एक ऑफिस को हमें भोपाल शिफ्ट करना पड़ा। मतलब ये है कि कोरोना ने सब कुछ हिला के रख दिया पूरा, मतलब एवरीथिंग। और स्पेशली जो लोग महाराष्ट्र के हैं, जो लोग बॉम्बे के हैं, वो ज़्यादा बेहतर फील कर पाते हैं कि किस प्रकार लाइफ को पूरा शेकन कर दे। समझ में नहीं आता कि आज आप कोई चीज़ को डिसाइड करेंगे 10 दिन बाद क्या होगा आपको नहीं मालूम, 1 महीने बाद क्या डिसीजन होगा, क्या आपको बैक लेना पड़ेगा नहीं मालूम। हम लोगों ने अभी फेलिसिटेशन सेरेमनी प्लान किया था 1 मई को, जिसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा। कारण क्या, कारण उसके पीछे वही कारण है उसके पीछे, क्योंकि जो है वो कोरोना के चलते जो है वो फंक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो आज नॉर्मल लाइफ की वैल्यू भी हमें समझ में आने लगी। खैर बहुत हो गया डिप्रेसिंग बातें, अब काम की बात करते हैं। हम काम की बात ये है, सुनो आज की कहानी के,
एक आदमी था, बहुत परेशान, बहुत एफर्ट की जिंदगी में उसने, बहुत कोशिश करता था, कोई भी काम करा, खूब कोशिश किया, खूब कोशिश किया, खूब प्रयास किया उसने, लेकिन सफलता ना मिले उसे। वो बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर उसको लगने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं जो भी काम में हाथ डाल रहा हूं सफलता मुझे नहीं मिल पा रही है, क्या करूं मैं। दुखी होकर वो अपना घरवार छोड़कर वो कहीं जंगल में चला जाता है। वो जंगल में जो है वो अपना सोचता है कि मैं सब दुनिया छोड़ दी, मैंने जहाँ छोड़ दिया मैंने, अब मैं जंगल में अकेला रहूँगा, मैं मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई मेरे मन में कोई भावना नहीं, अब मैं और नहीं लड़ सकता इस दुनिया से, मैं और नहीं लड़ूंगा। जंगल में चला जाता है। जंगल में उसको एक सन्यासी मिलता है। सन्यासी देखता है कि आदमी बड़ा दुखी दिखाई पड़ रहा है, उससे बोलता है वो कि भैया क्या हुआ, तू बड़ा दुखी है, तू क्यों भाग के आ गया दुनिया से। तो बोलता है कि तुम भी तो भाग के आए। सन्यासी बोलता है नहीं, मेरे भागने का कारण दुनिया को छोड़ना नहीं था, मेरे भागने का कारण था ईश्वर को खोजना। तेरे भागने का कारण क्या है? बोलता मैं ईश्वर को खोजने वोजने नहीं आया हूँ, मेरा सिंपल सा काम है कि भैया मैं परेशान था अपनी ज़िंदगी से, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, कभी कोई परिणाम ना मिले, उसका डिप्रेस हो गया, हर काम को मैंने किया, 3-4 साल ये काम किया, फिर वो काम किया, फिर वो काम किया, कहीं सफलता ना मिली मुझे, इसलिए मैं भाग कर आ गया। तुम सन्यासी कैसे आए? सन्यासी ने कहा भाई मैं तो राजा का लड़का था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे अशांति थी मन के अंदर, मन में मुझे लगता था कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं खोजने आया हूँ, ईश्वर को समझने आया हूँ, इन चिड़ियाओं की आवाज़ में, इस फूल पत्ती में मैं ईश्वर को देखता हूँ, मन को शांति मिलती है, मैं भाग कर नहीं आया, तू भाग कर आया। बोलता हाँ लेकिन ऐसी असफलताएं तुमको मिली नहीं होंगी जिंदगी में, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। ठीक है, सन्यासी कहता आओ मेरे साथ चलो। वो सन्यासी उसको लेके जाता है एक खेत में, खेत में दिखाते हैं बड़े बड़े बांस के पेड़ लगे हैं, 100-100 फीट लंबे बांस के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, बांस होता ना, बांस के बड़े बड़े 100-100 फीट लंबे पेड़ लगे हुए। बाजू में फिर एक दिखाता है फर्न लगा होता है, फर्न फर्न समझते हैं, फर्न जो सजावटी पौधा होता है, ठीक है, वो लगा होता है, टेरिडोफाइट, ठीक है, नीट वाले समझ गए, जेट से फर्न टेरिडोफाइट ट्राइप्टेरिस पेरिस, हाँ ठीक है, अभी नीट की बात नहीं कर रहे हैं ना, आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। तो फर्न सजावटी पौधा वो भी दिखाता है कि देखो ये भी लगा हुआ है, बोलता ये क्या, मेरे को क्या मालूम नहीं कि ये बांस और ये फर्न है। आपको मालूम है लेकिन मेरी बात तो सुनो, सन्यासी बोलता है, तुम्हें पता है मैंने दोनों पौधों को लगाया था, इस फर्न को भी लगाया मैंने, इस बांस को भी लगाया मैंने, पता है जब मैंने दोनों को खाद देना शुरू किया, पानी देना शुरू किया, दोनों का देखरेख करना शुरू किया, तो ये फर्न का पौधा जो है ना वो कुछ महीनों के अंदर ही जो है वो उगाया, और उगने के बाद जो है वो अपना जो उसका परिणाम दिखने लगा मेरे को कि हाँ ये फर्न उगाया है, ठीक है, गमले से बाहर निकला, आसपास फैल गया, थोड़ा सा दिखाने लगा के, तो मैंने इसका मुझे लगा कि हाँ ये तो भाई हमने जो खाद दिया पानी दिया उसका परिणाम दिख रहा है हमको। पर ये बांस का पता है क्या हुआ, इस बांस के पौधे को लगाने के लिए मैंने 5 साल तक लगातार, 5 साल तक लगातार मैंने पानी दिया, खाद दिया, गुड़ाई की मैंने, कुछ ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, 5 साल तक, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने हार नहीं मानी, भले ही कोई परिणाम ना मिले, मैं उसकी उसमें रोज जो है वो उसमें पानी डालता था, अक्सर खाद दिया करता था, जरूरत पड़ने पे गुड़ाई करता था, खरपतवार उसके हटाया करता था, मैं वीड हटाता था उसके के, और 5 साल मैंने किया, लेकिन ये जमीन बंजर दिखती थी पूरे समय। पर पता है क्या हुआ, फिर छोटा सा पौधा निकला उसमें से 5 साल के बाद, मन को दुख लगा कि यार इतना मेहनत करके देखो तक, फिर 1 साल के अंदर ये 100 फुट ऊंचा पेड़ बन गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया इसने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया इसने। तो ये पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले 5 साल जिसको मैं असफलता समझ रहा था, जिसको तुम असफलता समझ रहे थे, वो जड़ बनाने का टाइम था, जड़ पकड़ने का टाइम था। यदि इस पेड़ को यदि 5 साल तक अपनी जड़ें डेवलप करने का मौका ना मिलता, ये बंद नहीं था, ये जमीन के अंदर अंदर ग्रो कर रहा था, ये इसने 5 साल तक पहले अपनी जड़ों को बनाया, जड़ें इतनी मजबूत कर ली इसने कि कई 100 फुट ऊंचा बांस का पेड़ भी नीचे नहीं गिरेगा, उसको नरिशमेंट दे पाएगा ये, इसने जड़ों को बनाया। हम देख रहे थे ऊपर से कि क्या क्या परिणाम मिल रहा है, ऊपर से परिणाम शून्य था, लेकिन अंदर अंदर जड़ें तैयार हो रही थी एक बड़ी सफलता के लिए, एक बड़ी ग्रोथ के लिए, इसलिए इतना बड़ा हो गया। फर्न ने क्या किया, छोटी सी जड़ बनाई, छोटा सा पौधा बना दिया, छोटी जड़ और बनाई और छोटा सा पौधा बना दिया, तो फर्न ने जल्दी परिणाम दिया लेकिन जड़ें उसकी कम मजबूत है, इसलिए पौधा छोटा रह गया।
इसकी जड़ें जो है वो इतनी मजबूत है और इतने बड़े एरिया में फैली हुई है कि कई सौ फीट ऊंचा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर गया है। इसका मतलब ये, जब हम कोई परिणाम को देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं इस बारे में कि हम उस परिणाम को पाने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिसको हम असफलता समझ रहे हैं, वो असफलता नहीं है, वो जड़ों को बनाने का वक्त है, वो तैयारी है, वो तभी तो उस पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाओगे। मैं आपसे दावा करता हूँ, यदि आप में से सारे बच्चों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बगैर नीट के, बगैर नीट एग्ज़ाम के उनको सीधा MBBS में दाखिला दिला दिया जाए, सीधा MBBS में दाखिला दिला दिया जाए, 90% लोग MBBS पास नहीं कर पाएंगे। बुरा लगेगा सुनने में पर सच्चाई है, 90% से अधिक लोग MBBS पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगैर जड़ों को तैयार किए आप कॉलेज के अंदर बैठ गए होंगे। जितने लोग UPSC में बैठते हैं सबको सरकारी नौकरी दे दी जाए, चलो सबको IAS बना दिया, दावा करता हूं 99% नौकरी छोड़ जाएंगे, क्योंकि जड़ें ही तैयार नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आसपास अपने यहां क्या दुनिया में घट रहा है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं बेटा ना, तो हम जड़ों को तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उस पर हम बड़ी ग्रोथ को खड़ा कर सकें। अब एक बात और बता दूं, जड़ों को तैयार करने के लिए मिट्टी का बड़ा महत्व है। कई बच्चे जब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कोई बच्चा नीट में टॉप कर गया, UPSC में टॉप कर गया, है ना, एक अटेम्प्ट में टॉप कर गया, कभी आपने देखा बैकग्राउंड? सबकी बात नहीं कर रहा मैं, एक मेजोरिटी की बात कर। अब एक बच्चा है जिसके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, अस्पताल भी है उनका अपना, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है बच्चा, शुरू से बढ़िया स्कूल में उसकी एजुकेशन हुई है, एकदम कॉन्वेंट स्कूल में बढ़िया स्कूल में उसकी एजुकेशन हुई है, छठी सातवीं आठवीं क्लास से उसको ट्यूशन भी आता था, वो उठ के ओलंपियाड के सारे फॉर्म भरता था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था बच्चा वो, ठीक है, माता पिता का पूरा सपोर्ट था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसको बेहतर से बेहतर कोचिंग उसके लिए अवेलेबल थी, उसने अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया, उसने के मेहनत किया, उसने पहले अटेम्प्ट में वो नीट में निकाल ले गया वो, ठीक है, एक बच्चा वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को निकाले। एक बच्चा वो है जो शहर से दूर एक गाँव है जहाँ तक पक्की सड़क भी नहीं पहुँच पाती है, पक्की सड़क वहाँ से 1 किलोमीटर दूर खत्म हो जाती है और पैदल चलकर गाँव में जाना पड़ता है, बारिश के मौसम में जो है मिट्टी इतनी होती है कि गाँव तक पहुँचने में दिक्कत होती है, आसपास के एरिया में कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, माता पिता किसान है, गरीब है, सरकारी स्कूल जो आधे समय बंद रहता है जिसमें एक मास्टर 5 क्लास को लेता है वहां पढ़ने जाता है। सुनना मेरी बात जरा, संवेदनशील होकर बात सुनना कुछ राय देने के पहले, पढ़ने वहां आता है स्कूल बैठ के, किताबें खरीदने के लिए पूरी किताबें एक साथ खरीद ले, इतने पैसे नहीं उसके पास में, वो कुछ किताबें सेकेंड हैंड लेता है, कुछ अपने सीनियर से उधार मांगता है उसे पढ़ता है वो, जब पढ़कर वो 10वीं 11वीं पढ़कर जब वो आता है इतने संघर्ष के बाद, तो फिर वो सोचता है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, 2-4 छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है घर घर जाकर, कुछ पैसे जोड़ता है, फिर वो नीट की तैयारी करता है। अब नीट की तैयारी करता है उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पढ़ता है कभी ऑनलाइन पढ़ता है, कभी ऑफलाइन कहीं से नोट्स लेके पढ़ता है, 1 साल पहला अटेम्प्ट देता है 12वीं के साथ में, नहीं होता है, 1 ड्रॉप लेता है, नहीं होता है, दूसरा बार फिर रिपीट करता है, नहीं होता है, 4th अटेम्प्ट दे रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अरे 4th अटेम्प्ट दे रहा है, लेकिन वो 4th अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेता है, एग्जाम निकाल लेता है। चलो क्या लगता है आपको, वो जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला और जो 4th अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला, कौन बुद्धिमान है, क्या लगता है आपको, सच बताना दिल पे हाथ रखकर, दोनों की बुद्धिमानी में कोई फर्क नहीं है, फर्क है मिट्टी का, एक को मिट्टी इतनी अच्छी मिली, गमले इतनी अच्छी मिट्टी मिली एक को, जिसको रोज खाद कोई कमी नहीं थी, एक को अपनी वृद्धि के लिए हर समय संघर्ष करना पड़ा। तो बेटा मिट्टी पकड़ने का वक्त होता है, कई बार जिसको आप असफलता समझते ना बेटा, तू सोच लेना अच्छे से बात की, मिट्टी पकड़ के चल रहे हैं हम, मिट्टी में जड़ नहीं गहरी करेगा ना तो कैसे ग्रो करेगा, तो वो 5 साल तुमको लग गए या 4 साल तुमको लग गए ना, वो मिट्टी पकड़ने का वक्त था, वो मिट्टी पकड़ने का वक्त था, मिट्टी में ग्रोथ करने का वक्त था। इसलिए देरी कभी नहीं होती है, देरी कभी नहीं होती है, हमेशा याद रखना अंतिम परिणाम मैटर करता है, लास्ट एट द एंड ऑफ द गेम क्या हुआ दैट मैटर्स ए लॉट। इसलिए मुझसे कोई बोलता है ना कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये बच्चा कम बुद्धिमान है, ऐसा सारा अंतर परिस्थितियों का है, सारा अंतर परिवेश का है। वो बच्चे जो बहुत अच्छे परिवेश में और कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो तो बुद्धू है, ठीक है, लेकिन संघर्ष है ना बेटा लाइफ में, कई बार कई लोगों को आपको हमको लोग कभी रियलाइज नहीं कर पाते। मैं देखा हूं एक बच्चे ने जो है वो अपना, मैंने बताया भी था कि बच्चे ने जो है वो, एक बच्चे ने कहीं काम किया, उसने कुछ पैसे जोड़े, उसने कहा कि सर मैं कुछ इसका पैसे का यूज़ अपने नीट के पढ़ने के लिए करूँगा। तो ऐसे कई सारे स्वाभिमानी बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो अपने परिवार का सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आप चुका हुआ नहीं मान सकते। आप जिंदगी ने उनको जो है ना वो सहूलियत नहीं दी दूसरे को दी है, पर सच्चाई तो यही है, जड़ पकड़ लेंगे ना एक दिन, वो इतना ऊंचा पर निकलेंगे, इतना ऊंचा निकलेंगे कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में। इसलिए बेटा कभी भी अपनी सफलताओं असफलताओं को समय के पैमाने पर मत तोलिएगा, उसको ये तोलिएगा कि हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें हमको जड़ पकड़ने में इतना वक्त लग गया। सोच के देखिएगा इस बात को। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।